बच्चों, आज हम द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए जो विषय लेकर आए हैं वह आपके निबंध संग्रह से उद्धृत है और यह निबंध है भारत एक है और इसके निबंधकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहले हम जो भारत एक है के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर का जो परिचय है वो आपको दे देते हैं। तो जो दिनकर जी हैं उनका जन्म जो है वो 1908 ईस्वी में हुआ था, देहावसान 1995 ईस्वी में, और इसी क्रम में हम उनकी शिक्षा और उपलब्धियां भी आपके सम्मुख रखते हैं ताकि आप उनसे पूरी तरह से वाकिफ हों। दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया था और छात्र जीवन से ही साहित्य के प्रति इनकी रुचि थी और ये अपनी कविताएं लिखना प्रारंभ कर चुके थे और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इस तरह से उनको केंद्र सरकार की तरफ से हिंदी साहित्य समिति के परामर्शदाता के तौर पर नियुक्त किया गया था और उर्वशी जो इनका खंड काव्य है उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी अनेक और उपलब्धियां रही हैं, उसमें है 1952 में ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे और 1959 में ही संस्कृति के चार अध्याय जो इनकी एक निबंध संग्रह है उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि वर्तमान या आज हम जो निबंध पढ़ रहे हैं या इसका सार संक्षेप में आपके सामने रखूंगी, यह निबंध संस्कृति के चार अध्याय से ही लिया गया है। तो सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सा निबंध साहित्यकार के परिचय के बारे में जो आपको बताया है उसका थोड़ा सा और विस्तार बताती हूँ। दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया था और छात्र जीवन से ही ये कविता लिखने लगे थे। ओज व तेज के कवि के रूप में इनका जो स्थान है वह स्थापित है और राष्ट्रकवि दिनकर भारत की राष्ट्रीय चेतना के सच्चे कवि के रूप में अपनी काव्य रचनाएं रचित करते थे। उन्होंने भारत के गौरव का गुणगान भी किया है। वहीं दूसरी ओर शांति, बंधुत्व, मनुष्यता और युद्ध विरोध का संदेश भी इन्होंने अपनी रचनाओं में दिया है। उनकी कविताएं देश की सोई हुई जनता को जगाने की का दम रखती हैं। वे मानवता के महान पुजारी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत के अतीत का गुणगान किया है। दिनकर जी की राष्ट्रवादी सोच उनके पूरे लेखन जीवन पर हावी रही है या उनकी पहचान रही है राष्ट्रवादी चेतना। उनकी प्रमुख गद्य कृतियों में संस्कृत के चार अध्याय प्रमुख हैं। इसमें उनके विचारात्मक और समीक्षात्मक निबंध संग्रहित हैं और दिनकर जी को केंद्रीय सरकार की तरफ से हिंदी साहित्य समिति के परामर्शदाता के रूप में भी सम्मानित किया गया था और ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर भी रह चुके हैं। तो इस तरह से हम जो लेखक का परिचय है वो आपको संक्षेप में दिया, उनकी उपलब्धियां दी, उनको किस तरह से साहित्य सम्मान से नवाजा गया उसके बारे में आपको बताया। अब हम उनके जो साहित्यकार के रूप में हैं वह भी उनकी छवि आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो साहित्यकार के रूप में हम उनको इस तरह से पहचानते हैं कि वे ओज और तेज के कवि रहे हैं, राष्ट्रीय चेतना के सच्चे सपूत हैं, भारत के गौरवपूर्ण अतीत का गुणगान कर है उनकी रचनाओं में, और शांति के पक्षधर हैं, युद्ध के विरोधी रहे। क्योंकि कोई भी जो साहित्यकार होता है वो अपने साहित्य की या अपनी रचनाओं के माध्यम से हमेशा चाहता है समाज में शांति बनी रहे, और समाज जब में जब शांति रहेगी तभी वह प्रगति कर सकेगा, उन्नति कर सकेगा और अपना विकास आगे बढ़ा सकेगा। तो इस तरह से जो शांति का पक्षधर होगा निश्चित रूप से वो युद्ध के प्रति विरोध का स्वर ही रखता होगा। दूसरा, विश्व बंधुत्व की भावना से सराबोर उनका काव्य हमारे सामने कई रचनाओं के रूप में आता है। तो इस तरह से हम साहित्यकार के रूप में देखते हैं कि दिनकर का जो एक महत्वपूर्ण स्थान है, और दूसरा कवि रूप में उनको प्रकृति के कवि के रूप में भी पहचान मिली है। तो यहाँ पर अब हम उनकी जो प्रस्तुत रचना है भारत एक है के संक्षेप में क्या क्या बिंदुओं को उन्होंने उठाया है और किन बिंदुओं के माध्यम से उन्होंने अपनी बात कही है, किस तरह से भारत की एकता को उन्होंने दर्शाया है कि भारत में इतनी सारी विभिन्नताएं होते हुए भी उसकी एकता को उसने कैसे अक्षुण रखा है, कैसे उसको स्थायी बनाया हुआ है, और अतीत से लेकर आज तक कितने सारे संकटों से या विरोधाभासों से या विरोधी परिस्थितियों से गुजरता हुआ ये भारत
आज भी अपनी पहचान को अक्षुण्ण बनाए हुए है, इसके बारे में यहाँ पर निबंधकार ने हमें बताया है। तो मैं कुछ सार संक्षेप में उसके बिंदु आपके सामने रखती हूँ, उसके बाद मैं आपसे विस्तार से व्याख्या के संबंध में चर्चा करूँगी। तो जो निबंध है हमारा भारत एक है, उसमें उन्होंने जो संक्षेप के बिंदु हैं वो इस तरह से हैं कि भारत भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बटा है। दूसरा हम कह सकते हैं मित्र, जो भिन्न जलवायु के कारण वेशभूषा और खान पान में अंतर है, उसको हम आगे अपने जो बातचीत करेंगे उसमें स्पष्ट करेंगे कि जलवायु की भिन्नता कैसे वेशभूषा और खान पान में प्रभावित करती है। भारत जो है वो बहुत विशाल देश है और इसीलिए वह कई प्रांतों में विभाजित भी है। इसी तरह हम देखते हैं कि प्रांत विशेष की परिस्थितियां और जलवायु का वहाँ के निवासियों पर प्रभाव पड़ता है। जैसा आप सब जानते हैं कि राजस्थान प्रांत है या गुजरात प्रांत है या महाराष्ट्र प्रांत है या पंजाब है, तो उन सब की जो जलवायु है या हमारे पहाड़ी स्थल हैं उन सब की जलवायु का की भिन्नता के कारण वहाँ के निवासियों का किस तरह से फर्क पड़ता है या जनजीवन कैसे उनका दूसरे राज्यों से भिन्न होता है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तीसरा, विभिन्न प्रांतों के रीति रिवाज और जीवन शैली में भी अंतर होता है। इसको भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अगर हम बंगाल प्रांत की बात करें या दक्षिण भारत की प्रांत की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा बहुत हमें रीति रिवाजों में और जीवन शैली में अंतर मिलेगा। इसी तरह भाषा की शैली की भिन्नता की बात करें जो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, राजस्थानी भाषा, गुजराती भाषा, पंजाबी भाषा, मलयालम, तमिल, तेलुगु या बंगाली, तो इस तरह मैथिली, इस तरह की भाषा की भिन्नता भी हमारे देश में रही है सदियों से, पर ये भिन्नता किसी भी तरह से हमारी एकता को खंडित नहीं करने पाई है। इस तरह से भाषा की भिन्नता के कारण हमारा जो देश है उसकी एकता तनिक भी प्रभावित नहीं हुई है। और जो और सबसे बड़ी बात हम देखते हैं या जो विशेषता देखते हैं वह विभिन्न धर्मों या धार्मिक स्थलों का सम्मान। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और पर सभी के धर्मों का यहाँ पर हमारा जो संविधान है वो सबको संरक्षण देता है, सबको अपने धर्म को पालन करने की इजाज़त देता है। और इस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी हम देखते हैं, सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी देखते हैं, अर्थात हम अपने अपने त्योहारों को मनाने की हमारे संविधान में पूरी छूट है। तो इस तरह से विशाल देश, विशाल जनता, इतने सारे धर्म, संप्रदाय, रीति रिवाज के होते हुए भी भारत में ही वह कहना चाहिए क्षमता है या भारत में ही वह ताकत है या भारतवासियों में ही वह हृदय है जो वो सारी विभिन्नता को लेकर भी अपनी एकता को बनाए हुए है। तो इस तरह से इस निबंध में उन्होंने बताया है कि हम सब हर मायने में एक हैं, इतनी सारी विभिन्नताएं भी हमें किसी तरह से हमारी पहचान को जो खंडित नहीं कर सकती है, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। तो अब मैं पुनः अपने बिंदु पर आती हूँ और अब विस्तार से इस निबंध का सार आपको समझाने के प्रयास करते हैं। भारत की एकता उसकी विविधताओं में छिपी हुई है, यह तथ्य पूर्णतः सत्य है। निबंधकार ने भारतवर्ष के नक्शे की चर्चा करते हुए कहा, हमारे देश के प्राकृतिक दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात भौगोलिक रूप से भारत के उत्तर भाग को लेते हैं तो लगभग हिमालय के दक्षिण से लेकर विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ है, तत्पश्चात विंध्य से लेकर हम कृष्णा नदी के उत्तर का भाग जिसे दक्षिणी प्लेटो के नाम से जानते हैं वो है। निबंधकार कहते हैं कि विंध्य को लांग कर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाने के कई बार प्रयास किए गए हैं। और आगे उन्होंने हमारे जो नायक रहे हैं रामचंद्र जी, उनकी बात को लेते हुए कहा है कि रामचंद्र जी ने तो उत्तरी और दक्षिणी भारत के मध्य को एकता स्थापित करने का प्रयास किया था, वह महाभारत काल तक कायम रही। इसी तरह का प्रयास चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य और उनके बाद मंगोलों द्वारा भी किया गया कि किसी तरह सारा देश एक शासन के अधीन हो जाए, पर यह सफलता ज़्यादा कामयाबी या ये हम कह सकते हैं कि ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त हुई। कई बार भौगोलिक कारणों से भी, जैसे नदियों और पहाड़ों के कारण भी देश कई भागों में बट गया।
इस तरह अलग अलग प्रांतों के लोगों में प्रांतीयता का भाव पैदा हो गया। धरती की रूपरेखा और जलवायु का प्रभाव उस पर निवास करने वाले लोगों के शरीर और मस्तिष्क पर भी पड़ता है, ये इस बात से हम सब अवगत हैं। पहाड़ी और रेगिस्तान में रहने वाले वहाँ की विपरीत परिस्थितियों के कारण संघर्ष करते करते साहसी, निर्भीक और आज़ाद तबीयत के हो जाते हैं। ऐसा ही प्रभाव प्रांत विशेष में रहने वालों के जीवन शैली में देखा जा सकता है। खान पान, रीति रिवाज, वेशभूषा सभी में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में भिन्नता देखने को मिलती है। जैसी जलवायु होगी उसी के अनुरूप वेशभूषा और भोजन भी होगा। इस भिन्नता को हमें उदारता से स्वीकारना पड़ता है और ये इस उदारता से हमने इसे स्वीकारा भी है। यह तो एक विविधता की बात हुई। भाषा की दृष्टि से देखें तो भारत के विभिन्न प्रांतों में कई तरह की भाषा और बोलियां बोली जाती हैं। भाषा की विविधता भी हमारी राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी, परंतु इस बाधा को भी हमने लांघा और सारे विभिन्न प्रांतों के लोगों को उनकी स्थानीय बोली और भाषाओं में बोलने के स्वतंत्रता प्रदान की गई और हमारे संविधान में भी ऐसा व्यवस्था की गई कि भारत की राष्ट्रीय भाषा तो हिंदी है, पर अगर जो लोग हैं वे अपनी लोक स्थानीय भाषा का बोलचाल में प्रयोग करना चाहें तो उसकी स्वतंत्रता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो लगभग 27 से अधिक हमारे यहाँ प्रांत हैं तो उन सभी प्रांतों के लोगों को उनकी भाषा और उसके बाद उनकी विभिन्न बोलियों को बोलने का अवसर प्रदान किया गया। पर हम जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि कई सारे अवरोध भी आ जाते हैं, पर विज्ञान के युग में कई अवरोधों को दूर करने में सफलता प्राप्त हुई है। जैसे यदि एक क्षेत्र में अकाल पड़ गया या महामारी हुई या बाढ़ आई तो अब देश के दूसरे प्रांत से वहाँ रसद यानी भोजन सामग्री पहुँचाना आसान हो गया है, चिकित्सा सुविधाएं पहुँचाना आसान हो गया है और उन समस्याओं का निवारण कर दिया जाता है। देखा जाए तो विचारों की एकता किसी भी राष्ट्र की एकता में सबसे बड़ी मिसाल होती है या सबसे बड़ी पूंजी होती है। अतः भारतीय जनता की एकता के असली आधार भारतीय दर्शन और हमारा साहित्य है, जो अनेक भाषाओं में लिखे जाने पर भी अंत में जाकर एक ही तरह की हमें सिद्ध करते हैं या हमारी एकता को निश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। हमारी एकता का एक प्रभाव हमारी संस्कृति और मंदिर और पर भी पड़ता है। हमने देखा कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक अनेकों मंदिर हैं, उनमें एक ही तरह की पूजा होती है इत्यादि। वैश्वीकरण के कारण एक देश का दूसरे देश के लोगों से मिलना जुलना आसान हो गया है। धार्मिक विश्वास की एकता मनुष्य की सांस्कृतिक एकता को भी पुष्ट करती है। इस तरह से हम देखते हैं कि निबंधकार भारत की एकता का परिचय देते हुए कहते हैं कि पहाड़ों और समुद्रों से घिरे हुए इस विशाल देश में जो भौतिक एकता का भाव है या जो मौलिक एक भौतिक नहीं उसको हम मौलिक कहना चाह रही थी जो मौलिक एकता का भाव है वह दूसरे हमारे भूगोल की ही देन है। भारत का कोई भी भाग समूचे भारत से अत्यंत जो है अलग होकर भी, स्वतंत्र होकर भी कितना ही प्रयास करे पर वे अलग अपना अस्तित्व कायम कर रखने में सक्षम नहीं है और यह अस्वाभाविक बात भी है। अंत में निबंधकार कहते हैं, जैसे दुनिया के और भी देश हैं दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं, वैसे ही प्रकृति ने भारतवर्ष को भी एक स्वतंत्र देश के रूप में सृजा है और जो दुनिया से अलग और अपने आप में पूर्ण है और इसके भीतर बसने वाले या रहने वाले सारे लोग भारतीय हैं। इस तरह हमारा ये सार संक्षेप समाप्त होता है।